अव्यक्तात्तु परः पुरुषः व्यापको लिंगैव च यम व्याप्त्वा मुच्यते जन्तुः अमृतत्वं च गच्छति न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं हृदा मनीषा मनसाभिकृतो ज एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। इंद्रियों से परे मन है, अर्थात इंद्रियां मन से अलग नहीं है। ये संस्कृत भाषा में बोलने की पद्धति है। इंद्रियों से परे मन है, अर्थात मन के होने से ही इंद्रियों की सिद्धि होती है। मन के होने से ही इंद्रियां काम करती हैं, मन के सो जाने पर इंद्रियां काम नहीं करती हैं। इसलिए मन से अलग इंद्रियों का कोई अस्तित्व नहीं है। आप इंद्रियों का ख्याल छोड़कर मन में पहुंच जाइए, मन ही मन है, इंद्रियां नहीं। तो इंद्रियां नहीं है ये कहने से ये सिद्ध हुआ कि विषय नहीं है, और जिन द्रव्यों में विषय भासते हैं सो नहीं है, और इंद्रियों के गोलक नहीं है, और इंद्रियों की उपाधि से जो अपने को दृष्टा श्रोता स्पष्टा रसयिता घ्राता मानता है, ऐसा कुछ उपाधियों के भेद से नहीं है। फिर बोले मनसः सत्वम उत्तमम्, मन से उत्तम सत्व है, माने मन के पहले सत्व है, बुद्धि है। तो जैसी हमारी जानकारी होती है उसी के अनुसार मन होता है। यदि मन में कोई गंदी बात करने की आती है या अच्छी बात से भी मन मुड़ता है, तो समझना चाहिए कि बुद्धि ने मन का ऐसा कान भर दिया है कि ये गंदा काम करने से तुमको सुख मिलेगा, ये गंदा काम छोड़ने से तुमको सुख मिलेगा, ये अच्छा काम छोड़ने से तुमको सुख मिलेगा। बुद्धि ने उल्टी होकर के मन को ऐसा सिखा दिया है कि मन अपने अहित को ही हित समझ रहा है और दुख को ही सुख समझ रहा है। बिना बुद्धि के कोई संकल्प होता ही नहीं। जब हम ये समझते हैं कि कश्मीर जाने से बड़ा सुख होगा, तब कश्मीर जाने का संकल्प होता है। तो पहले बुद्धि होती है, पीछे मन होता है। इसलिए जिसकी बुद्धि ऐसी है कि परमात्मा के सिवाय कोई सत्य नहीं है, परमात्मा के सिवाय कोई ज्ञान नहीं है, परमात्मा के सिवाय कोई सुख नहीं है, जिसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है, उसके मन में संसार के लिए संकल्पों विकल्पों का कोई जाल खड़ा नहीं होता है। माने बुद्धि से अलग मन का अस्तित्व नहीं है। बोले भाई हमारी बुद्धि तो कहती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मन तो कहता है कि झूठ बोल दो। तो बुद्धि और मन में हमारे घर में मतभेद है।
तो जैसे घर की मालकिन और नौकर का मतभेद हो, बोला बुद्धि घर की मालकिन है और मन तो बुद्धि का नौकर है, लेकिन ये नौकर के साथ क्या मतभेद? ये प्रश्न हुआ कि नौकर के साथ क्या मतभेद? तो बोले कि नहीं नहीं, किसी किसी के घर में ऐसे प्रबल नौकर हो जाते हैं पुराने कि वो मालिक पर भी हावी हो जाते हैं। तो बात क्या है कि मालिक की कमजोरी जब नौकर को मालूम रहती है, लेकिन वैसे तो ये कहते हैं कि नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन जब इनके सामने रख दिया जाए और एक ग्रास दो ग्रास खाते हैं और जब है ना स्वाद जीभ पर आ जाता है तो फिर और मांग के लेने लगते हैं। पहले नाना बोलते हैं और पीछे मांग के लेने लगते हैं। अगर ये बात नौकर को मालूम हो जाए तो तुम नौकर से कहो कि हम नहीं खाएंगे, तब भी वो लाके खाना तुम्हारे सामने रख देगा, क्योंकि तुम्हारी कमजोरी नौकर को मालूम हो गई है। तो इसी तरह बुद्धि जो है वो ऊपर से तो कहती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भीतर भीतर जब कभी झूठ बोलने का मौका पड़ता है तो उसका मजा लेती है। वो कहती है कि हे मन, झूठ बोलोगे तो बड़ा मजा मिलेगा हैं? और सच बोलोगे तो पैसा नहीं आवेगा, मजा नहीं मिलेगा। तो कहीं न कहीं बुद्धि मन को स्वीकृति दे देती है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि तुम्हारी बुद्धि पक्की हो, निश्चयात्मक हो, अध्यवसायात्मक हो, तो बुद्धि के विरुद्ध मन कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञान ही संकल्प के रूप में प्रकट होता है, बुद्धि ही संकल्प के रूप में प्रकट होते हैं। अब सत्वादधि महान आत्मा इस बुद्धि के परे है महत्तत्व माने समष्टि बुद्धि। एक न एक दिन समष्टि बुद्धि के सामने व्यष्टि बुद्धि को झुकना पड़ता है। जैसे सपने में चाहे कुछ भी दिखाई पड़े पर सपना देखने वाले की जो बुद्धि है वो सबके ऊपर अंततोगत्वा हो जाएगी। उसके बाद बोले कि उससे भी महत तत्व से भी ऊपर, हिरण्यगर्भ से भी ऊपर अव्यक्त है। अव्यक्त माने जिस जगह कोई भी चीज जाहिर नहीं है, न काल में भूत भविष्य वर्तमान के भेद पैदा हुए हैं, न देश में बहिर्देश अंतराल देश अंतरदेश पैदा हुए हैं, न वस्तु में कारण अवस्था और कार्य अवस्था का विवेक हुआ है। ऐसी अवस्था में जो अव्यक्त है, व्यज्यमान सृष्टि से विलक्षण जो अवस्था है, उस अवस्था में वो अवस्था समष्टि बुद्धि और व्यष्टि बुद्धि दोनों से विलक्षण है। माने समाज की बुद्धि पर, संप्रदाय की बुद्धि पर, जाति की बुद्धि पर, राष्ट्र की बुद्धि पर, मानवता की बुद्धि पर हम काबू पा सकते हैं यदि महत तत्व हिरण्यगर्भ की बुद्धि के साथ हमारा संबंध हो। हिरण्यगर्भ के साथ यदि तादात्म्य कर लें तो हमारे संकल्प से समाज, संप्रदाय, जाति, वर्ण, आश्रम है ना, संपूर्ण मानव मात्र की बुद्धि, दानव मात्र की बुद्धि, देवता मात्र की बुद्धि हिरण्यगर्भ की बुद्धि के अधीन होती है। पशु पक्षी प्राणी मात्र की बुद्धि, ऐसा हिरण्यगर्भ, उसमें क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों है। वो चाहे तो दुनिया को ठप कर दे और चाहे तो दुनिया की बुद्धि बदल दे, ऐसा होता है हिरण्यगर्भ, जिसकी बुद्धि में व्यक्त काल, व्यक्त देश, व्यक्त वस्तु रहती है। और हिरण्यगर्भ से भी उत्तम वह है जिसमें हिरण्यगर्भ सोता है, उसको बोलते हैं अव्यक्त। अब जरा पुरुष की बात सुनो। पुरुषो व्यापको अलिंग एवच। पुरुष कैसा है? व्यापक है और अलिंग है। तो कभी कभी ऐसा ख्याल होता है कि यहां के लोग बहुत दिनों से वेदांत सुनते हैं तो इनको बहुत सारी बातें मालूम हैं, इनको छोटी छोटी बात क्या सुनावें। और इसका फल ये होता है कि फिर लोग ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, है ना, ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि तबीयत हैरान हो जाती है, आश्चर्य हो जाता है
कि इतना पुराना श्रोता, वेदांत का इतना ज्ञान और इतनी छोटी बात पर उसका ध्यान क्यों नहीं जाता। बात व्यापकता की है। देखो, अपने मोहल्ले में कोई ऐसा आदमी होए जो सबसे जान पहचान रखता होए, सबकी खबर रखता होए, सबके पास जिसकी पहुंच होए, हैं? उस चालू आदमी को कहते हैं कि ये बड़े व्यापक हैं गांव में। व्यापक माने ऐसे होता है, गांव में ये बड़े व्यापक हैं। सबर स्वामी ने कहा कि लोक में शब्द का जैसा अर्थ प्रसिद्ध होता है, अगर वेद में भी वैसे ही अर्थ निकले तो सबसे पहले वैसे ही अर्थ उसका होना चाहिए। जैसे घर में जब दिया जलाते हैं तो दिए की रोशनी सारे घर में व्यापक हो जाती है। देखो, बल्ब कहां है और रोशनी कहां है, तो बल्ब में से रोशनी व्याप्त ही तो हो रही है ना सारे कमरे में। ये सारे इतने बड़े हाल में बल्बों की जो रोशनी है वो व्याप्त हो रही है। रोशनी व्यापक है और ये हाल व्याप्य है। अच्छा, अब रोशनी एक देश में रह करके अपनी किरणों के द्वारा, बल्ब एक स्थान में रहता है और अपनी किरणों के द्वारा व्यापक होता है। आपको ये बात सुनावे कि एक काल में रह के भी दूसरे काल में व्याप्ति होती है, ये बड़ी अद्भुत लीला है। आप कभी ध्यान देंगे तब मालूम पड़ेगा। एक देश में रह करके दूसरे देश में व्याप्त हो रही है रोशनी। सूर्य कहां है और उसकी प्रभा कहां व्याप्त होती है। दिया घर के एक कोने में है और उसकी रोशनी सारे घर में व्याप्त होती है। तो एक स्थान में रह करके ये व्याप्ति हुई ना। अब आपको ये जो तारे मालूम पड़ते हैं आसमान में, तारे बड़ी दूर हैं, तो ऐसे ऐसे तारे हैं जैसे जिनकी रोशनी तारे से धरती पर पहुंचने में, है ना, किसी की रोशनी पहुंचने में एक दिन लगता है, किसी की रोशनी पहुंचने में 8 वर्ष लगता है, किसी की रोशनी पहुंचने में प्रकाश वर्ष का हिसाब होता है, वो प्रकाश वर्ष लाखों वर्ष लगते हैं। रोशनी वहां है और यहां आने में लाखों वर्ष लगते हैं। तो ये जो रोशनी पहुंचने में जो देर लगती है ना, ये दूसरे काल की निकली हुई प्रभा दूसरे काल में आकर हमारी आंख से टकराती है। यहां तक कि सामने जो रोशनी है ना, आप तो शब्द की बात तो जानते हो, शब्द हमारे वृंदावन में रेडियो की जो आवाज है ना उसको गांव में फैलाते हैं, प्रातः स्मरणम को फैलाते हैं। तो हमारे रेडियो बजता है और म्युनिसिपैलिटी का रेडियो बजता है, तो हमारे रेडियो से हमको जल्दी सुनाई पड़ता है और म्युनिसिपल की रेडियो से बाद में सुनाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा यह होता है कि वहां जो शब्द रेडियो से उच्चारित होता है ना, उसको जो रास्ता तय करना पड़ता है हमारे कान तक पहुंचने के लिए, उसमें देर लग जाती है। देखो, गोली जब छोड़ते हैं तो आग पहले, आग उगलती हुई बंदूक की गोली आग उगलती हुई पहले दिखेगी और उसकी आवाज कान में बाद में पड़ेगी। तो व्यापक होने में थोड़ा समय लगता है। ये रेडियो की जो ध्वनि है इसके व्यापक होने में भी समय लगता है, थोड़ा सा। वो इतना कम लगता है कि लोग 1 सेकेंड, आधा सेकेंड, सेकेंड का 1/1000 हिस्सा ऐसा लगता है, तो उसको लोग नाप नहीं सकते। तो व्यापकता काल का स्पर्श करके व्यापकता होती है, देश का स्पर्श करके व्यापकता होती है और वस्तु का स्पर्श करके भी व्यापकता होती है। वो कैसे? आप एक लोहे का गोला लो और आग में डाल दो तो पहले उसका बाहरी हिस्सा गर्म होगा,
फिर भीतरी हिस्सा गर्म होगा। गर्म होने में, अरे वो देखो आप पानी बटलोई में पानी रखो आग पर, तो आग की जो गर्मी है वो जिस हिस्से में आग का बटलोई से स्पर्श होता है ना, उधर पहले गर्म होगा और बाद में ऊपर वाला बाद में होगा। माने गर्मी व्याप्त होने में भी वस्तु में अंतर और बहिर का अंतर पड़ता है। तो ये जो व्यापकता है वो क्या है, हमें मूल बात ही आपको सुनानी है कि जो परमात्मा व्यापक है, ये बात कही जाती है कि परमात्मा सृष्टि में व्यापक है। इसका क्या अर्थ है, किस ढंग की व्यापकता है? तो बोले कि जैसे लोहे के गोले में अग्नि व्याप्त हो गई और लोहा का गोला लाल हो गया, इसी प्रकार लोहे के गोल के समान तो ये ब्रह्मांड गोल है और इसमें आग की तरह परमात्मा व्याप्त है। संयोग संबंध से व्यापक है, इसका अर्थ हुआ संयोग संबंध से व्यापक है। अग्नि और लोहे के गोले का संयोग हुआ और अग्नि अपनी तेजस्विता से लोहे में व्याप्त हो गया। तो क्या इस सृष्टि में परमेश्वर ऐसे ही व्यापक है? एक बात, अच्छा ये बात मत कहो, ऐसे कहो कि जैसे गोले में, लोह के गोले में लोहा व्यापक है। गोला तो एक आकृति है ना, एक शकल है वो, तो लोहा तो लंबा भी होता है, गोला भी होता है, कण कण भी होता है, हैं? तो जैसे लोहे की आकृति में लोहा नाम का मसाला, लोहा नाम का उपादान, लोहा नाम की वस्तु जैसे आकृति में व्यापक है, ऐसे परमात्मा व्यापक है। तो अब इसको दृष्टांत दे के अलग, जैसे घड़े में मिट्टी, तो घड़े में मिट्टी को भी ठीक नहीं समझते हैं हम। आपकी बुद्धि पर कोई आक्षेप किए बिना ये बात कहना चाहते हैं कि एक 10 बरस वेदांत सुनने वाले से हमारी बात हुई, घड़े में मृत्तिका व्याप्त है, इसका क्या अर्थ है? तो कौन सी मृत्तिका व्याप्त है? जब हम व्याप्ति का वर्णन करते हैं तो ये नहीं कि ये जो धरती है ना, ये जिस धरती पर घड़ा रखा हुआ है उस धरती में जो मिट्टी है सो घड़े में व्यापक है, ना ना, धरती तो धरती देश में है और घड़ा तो घड़ा देश में है। घड़े को तौल लो तो उसमें क्या है? बोले शेर भर मिट्टी है। वजन कितना है घड़े का? का शेर भर। का वो शेर भर मिट्टी है कि नहीं? का वो शेर भर तो मिट्टी है। तो ये घड़े की जो सकल सूरत बनी है, जिस मिट्टी से, जिस मिट्टी में घड़े के वजन के रूप में जो मिट्टी घड़े में है, वो मिट्टी घड़े में व्यापक है। अर्थात उपादान कारण ही अपने कार्य में व्यापक होता है। तो ये जो विश्व ब्रह्मांड बना है ना, इसका मसाला क्या? बोले परमात्मा ब्रह्म। तो वो इसमें व्यापक है तो कैसे? कि जैसे घड़े की शक्ल तो बनाई गई है, लेकिन घड़े में जो वजन है जिस मिट्टी का, वो मिट्टी नहीं बनाई गई है, वो तो पहले से मौजूद थे। इसीलिए इस संसार में वजन वाली कोई चीज है, मसाला है, इसका उपादान है, इसका बनाने वाला चेतन है, तो वो परमात्मा है। जैसे लपट में अग्नि है, जैसे सांस में हवा है, और जैसे आकाश है, ऐसी व्यापकता है परमात्मा की। बोले ना, ये सब जड़ वस्तु की व्यापकता है। जड़ वस्तु में तो बनाया हुआ या बना हुआ आकार रहता है, स्वाभाविक आकार भी रहता है। जड़ वस्तु में 3 तरह के आकार रहते हैं, एक तो उसका स्वाभाविक आकार, और एक जो काल क्रम से बन जाता है सो आकार, और एक जो आदमी उसमें बना देता है सो आकार है। घड़ा जो है वो मनुष्य का बनाया हुआ आकार है, और जो मिट्टी का डला पहले है ना कुम्हार खोद के ले आया था नारायण, वो स्वाभाविक ही बन गया था, और उसके पहले मिट्टी धरती में रहते समय जो उसकी शक्ल थी,
स्वाभाविक आकार, बना हुआ आकार और बनाया हुआ आकार, ये तीनों आकार मिट्टी से जुदा नहीं होते। लेकिन जो चैतन्य में आकार होता है, उस आकार को समझने के लिए हमें जरा चैतन्य की व्यवस्था समझनी पड़ेगी। आपने अपने मन में कभी अपने पुत्र को या अपनी पत्नी को या अपने नाना नानी को या मां बाप को कभी देखा है? आंख बंद करके अपने किसी रिश्तेदार को मन में देखिए तो मन में शक्ल दिखेगी कि नहीं? तो वो जो शक्ल है उसका उपादान क्या है, सामग्री क्या है? घड़ा बना सो तो मिट्टी से बन गया, घड़े में शक्ल बनी, कुम्हार ने मिट्टी से बना दी। और आपने अपने मन में जो शक्ल बनाई अपने नानी की या अपनी मां की या अपने पति की या अपने पुत्र की या पत्नी की, जो भी शक्ल बनाई, वो आपके मन में जो शक्ल बनी उसका उपादान क्या है? तो उसका उपादान तो मन ही है, संस्कार युक्त जो ज्ञान है। संस्कार के अनुसार ज्ञान में शक्ल बन गई, तो इसी संस्कार से देखो सपना आता है। सपने में धरती बनती है, आकाश बनता है। तो अब आप अपने मनोराज्य के समय और स्वप्न में बिना बाहर की किसी वस्तु के और बिना बाहर के किसी औजार के अपने मन में जो दुनिया जैसे बना लेते हैं, केवल संस्कार उसमें निमित्त होता है। ऐसे ईश्वर जो है, ईश्वर सृष्टि कैसे बनाता है? ईश्वर के अंदर सृष्टि ऐसी है उसके संकल्प में, उसके मनोराज्य में। ईश्वर तो जैसे आप बैठे हैं 3.5 हाथ के शरीरधारी, वैसे कोटि कोटि ब्रह्मांड का जो बीज है उसका शरीर धारण करके ईश्वर बैठा हुआ, माया का शरीर धारण करके ईश्वर बैठा हुआ। और उस माया से बनाए हुए ईश्वर के अंतःकरण में ये अनंत कोटि ब्रह्मांड वैसे ही दिख रहे हैं जैसे हमारा मनोराज्य, जैसा हमारा स्वप्न। नारायण, तो ईश्वर को ये सृष्टि कैसी दिखती है? कि जैसे जादूगर को अपना बनाया हुआ जादू दिखता है, जैसे स्वप्न को अपना बनाया हुआ। तो जीव में तो संस्कार रहता है, इसलिए वो संस्कार के अनुसार स्वप्न उसमें बनता है। परंतु ईश्वर में संस्कार नहीं रहता, माया रहती है। संस्कार तो अंतःकरण में होता है और ईश्वर तो अंतःकरण रहित है, अनंत है। उसमें माया से उसके पेट में, उसके हृदय में ये कोटि कोटि ब्रह्मांड भासते हैं। अच्छा बोले भाई, ब्रह्म में ये सृष्टि ऐसे ही है? तो देखो, ईश्वर के संकल्प में, ईश्वर के मनोराज्य में, ईश्वर के हृदय में बनी हुई और दिखने वाली और मिटने वाली ये जो सृष्टि है, ये ईश्वर की दृष्टि से तो स्वप्नवत है। और हम जो स्वप्न में शरीरधारी होकर विचरण करने वाले हैं, उनके दृष्टि से सत्य है। अब आप इस बात को और स्पष्टता के साथ समझो। असल में आप विवेक करके देखो तो आप हो, आप पुरुष हो। पुरुष हो माने आत्मा हो, आप ज्ञान हो। आपकी व्यापकता कैसी है? आपकी व्यापकता ऐसी है कि ज्ञान में आकृतियां मालूम पड़ रही हैं। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये मकान है, ये शहर है, ये धरती है, ये ब्रह्मांड है। ये ऐसे भी समझो कि ये कोटि कोटि ब्रह्मांड है। ये आपके चैतन्य स्वरूप के बाहर नहीं है। व्यापको लिंग है ये वचन। आपका चेतन स्वरूप जो है वो देश की कल्पना का आश्रय होने से, क्योंकि देश की कल्पना आपके चैतन्य में ही भासती है, आपके स्वरूप में ही भासती है, इसलिए देश जितना लंबा चौड़ा हो सकता है उससे बड़ी तो आपकी कल्पना है, और उस कल्पना से बड़े आप हैं। और काल की जितनी कल्पना हो सकती है, वो काल तो है आपकी कल्पना में, और कल्पना के अधिष्ठान रूप आप उस काल की कल्पना से बड़े हैं। वो तो आपके चैतन्य स्वरूप में भास रही है,
और वस्तुओं की, ब्रह्मांडों की जितनी कल्पना है, उस कल्पना के आश्रय होने से आप बीजात्मक सत्ता से भी बड़े हैं और आप त्रिविध काल से भी बड़े हैं और आप त्रिविध देश से भी बड़े हैं। इसका अर्थ है कि आपका परिच्छेदक और कोई नहीं है, आप 16 आने अनंत चैतन्य हैं। तो आपके अनंत चैतन्य स्वरूप में जो जीव ईश्वर सहित जगत भास रहा है, वो क्या वस्तुतः है और बदलता हुआ है? कब वो है और बदलता हुआ नहीं है? ज्ञान ही सबके रूप में चमक रहा है। कल एक सज्जन से बात हो रही थी तो मैंने पूछा, अधिष्ठान कैसा? तो बोले जैसे धरती नीचे और उसके ऊपर घड़ा रखा हुआ, तो घड़े का अधिष्ठान जैसे धरती हुई, वैसे ये सारा प्रपंच हमारी छाती पर लादा हुआ है ना, और हम प्रपंच के अधिष्ठान हैं। कहिए बात नहीं, आपकी छाती पर ये प्रपंच लदा हुआ नहीं है, आपके अनंत जीवन के किसी भी क्षण में ये प्रपंच नहीं है, आपके अनंत विस्तार के किसी भी इंच में ये प्रपंच नहीं है, आपकी अनंत सत्ता में किसी भी कण के रूप में ये प्रपंच नहीं है, ये ज्ञान की लहर है। ये नहीं, ज्ञान की लहर ऐसी नहीं होती जैसे समुद्र की लहर समुद्र से ऊपर उठती है, ऐसे ज्ञान की लहर ज्ञान से ऊपर नहीं उठती, ज्ञान से बाहर नहीं जाती है ना, और ज्ञान से अतिरिक्त काल में नहीं होती, ज्ञान से अतिरिक्त नहीं होती, ज्ञान ही, ज्ञान का ही जो चाकचिक्य है वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के रूप में केवल भास रहा है। अच्छा आप बताओ कि स्वप्न में जो आपको घड़ा दिखता है वो घड़ा बाहर है और उसको देखने वाले आप मोहन नाम वाले जो हैं, सो क्या भीतर हैं? अच्छा आप घर के भीतर बैठे हुए हैं और खिड़की से बाहर के पेड़ को देख रहे हैं, तो क्या पेड़ बाहर है और आप घर के भीतर हैं? असल में एक ही मन में वो बाहर और भीतर की कल्पना होकर, दीवार और आदमी की कल्पना होकर, पेड़ होकर, उसमें न बाहर अलग काल है, न अलग देश है, न अलग वस्तु है। इसी प्रकार ये जो व्यापक आत्मा है, व्यापक आत्मा जिसको कहते हैं, ये अलिंग है। अलिंग है कहने का अभिप्राय यह है कि ये बुद्धि के द्वारा प्रपंच को नहीं देखता है, बुद्धि के द्वारा प्रपंच को नहीं देखता है, ये तो सबका साक्षी होने के कारण एक रस ज्ञान है। एक रस ज्ञान होने से ही ये सबका साक्षी है। अगर हमारा आत्मा माने ज्ञान माने तुम, कैसे तुम जो सबका साक्षी, सबका साक्षी माने बदलती हुई चीजों के दिखाई पड़ने पर भी तुम एक रस, तुम निर्विकार, देश की कल्पना में भी निराकार और कल्पना के अभाव में भी निराकार, वस्तु की कल्पना में भी निराकार निर्विकार और उसके अभाव में भी निराकार निर्विकार, और काल की कल्पना में भी निराकार और निर्विकार, तुम एक रस ज्ञान स्वरूप चैतन्य हो। और ये जो फुरना रूप प्रपंच भास रहा है, ये असल में फुरना यदि होगी तो देश की होगी, ये नीचे ये ऊपर, ये फुरना है, ये पहले ये पीछे काल होगा, ये बड़ा ये छोटा, ये वस्तु होगी, बड़ा काल छोटा काल, बड़ा देश छोटा देश, बड़ी वस्तु छोटी वस्तु, ये अपनी छाती पर चढ़ी हुई नहीं है। स्वप्न में जो वस्तु होती है वो अपनी छाती पर चढ़ी हुई नहीं होती, अपने मन में फुर्ती हुई होती है। इसी प्रकार अपने ज्ञान में फुर्ती हुई है ये दुनिया। इसका ये मतलब नहीं कि सचमुच दुनिया है, आप पूछने लग जाओ ज्ञान में ये दुनिया कहां से आई, ज्ञान में ये दुनिया कहां जाएगी, ज्ञान में ये दुनिया कहां से बन गई, ये नहीं। आप स्वयं ज्ञान हो और आपका ज्ञान दुनिया के रूप में फुरफुरा रहा है। ये दोस्त और दुश्मन, ये देवता और दानव, ये देवता और दानव और ये ईश्वर और जीव, ये जड़ और चेतन, जितनी भी फुरफुराहट हो रही है ये सब आपकी ही फुरफुराहट है। इसमें न बंधन है और न तो मोक्ष। अलिंग है आत्मा,
बुद्धि के इधर उधर, बुद्धि जाती नहीं। एक हमारे वेदांतियों में एक अवच्छेदवाद की प्रक्रिया है, हो अवच्छेदवाद की प्रक्रिया, उसमें पुनर्जन्म के संबंध में बड़ी विलक्षण धारणा दी हुई है, बड़ी विलक्षण धारणा दी हुई है। वो कहते हैं कि चैतन्य तो सर्वथा स्थिर है, ये जो हमारा आत्म चैतन्य है ये अंतःकरण से अवच्छिन्न होने पर भी आकाशवत है, आकाशवत परिपूर्ण है, तो ये कहीं आता जाता नहीं। और वो कहते हैं आकाश भी कहीं आता जाता नहीं तो बुद्धि और मन तो कहीं आवेंगे जाएंगे कैसे, तो अपने में परिच्छिन्नता की भ्रांति होने के कारण बुद्धि में जो आकार भासते हैं उनको हम मैं मान लेते हैं। तो क्या होता है कि यहां से चल के कोई 10-20 लाख जोजन दूर नरक नाम के स्थान पर जाना पड़ता है, ऐसा नहीं, जो पाप के संस्कार से संस्कृत बुद्धि होती है वो यही जहां है वहीं अपने लिए नरक बना लेती है, नरकाकार परिणाम को प्राप्त होती है, और आत्मा को बुद्धि में नरक दिखता है और वो अपने को नारकी मानने लग जाता है। और जो पुण्यात्मा लोग हैं उनका आत्मा चल के स्वर्ग में नहीं जाता, उनकी अंतःकरण में ही स्वर्ग की आकृति दिखने लगती है और वो अनुभव करने लगते हैं कि मैं स्वर्ग में हूं, क्योंकि परिच्छिन्नता की भ्रांति तो है ही है। अच्छा, कब बोले भाई, इसी प्रकार जो लोग ईश्वर की उपासना करेंगे उन्हें अपने अंदर ईश्वर के लोक का अनुभव होता है, और जो लोग पाप करते हैं उनको अपने अंदर नरक का अनुभव होता है, और जो पुण्य करते हैं उनको अपने अंदर स्वर्ग का अनुभव होता है, जो जड़ वस्तुओं को चाहते हैं उन्हें जड़ता का अनुभव होता है। ये हमारा अनुभव ही नरक है, अनुभव ही स्वर्ग है, अनुभव ही भगवान लोक है, का ये हमारा अनुभव ही भौतिकता है। ये अपने को परिच्छिन्न जान करके और तत्तदाकार बुद्धि के साथ तादात्म्य करके हम तत्तत अनुभव करते हैं। असल में हमारे अंदर अनुभव की कोई वस्तु नहीं है, ये हमारी आत्मई अनुभव के रूप में प्रकट हो रही है। तो कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सचमुच अपनी आत्मा जो है वो तत्तदाकार हो जाती है, परंतु वेदांती कहते हैं कि नहीं, आत्मा तो साक्षी है, तत्तदाकार होती नहीं, होती हुई भासती है, इसलिए देश काल वस्तु का किंचित भी अस्तित्व नहीं है, एक अखंड अद्वय ये आत्मा ही ब्रह्म है। जंग्यात्वा मुच्यते जंतु अमृतत्वंच गच्छति। बोले बाबा इतना दिमाग काहे को परेशान करते हो, कि परेशान इसलिए करते हैं कि तुम स्वयं तो दिन भर में 1000 बार दुखी होते रहते हो, नरक का डर तुमको लगा है, स्वर्ग का लोभ तुमको लगा है, हैं? और इस जीवन में हमको ये मिले हैं? और ये न मिले इसके चक्कर में पड़ करके तुम दुखी तो हो रहे हो ना। तो ये जो एक तो दुखी पने की कल्पना है, दूसरे जड़ता, तीसरे अज्ञान के अंधकार में फंसे हुए, चौथे जन्म और मृत्यु का भय लगा हुआ, जड़ अज्ञान के अंधकार में फंसे हुए और दिन भर में 50 मर्तबा दुखी होना और सुखी होना, ये तुम्हारे साथ लगा हुआ, इससे तुम मुक्ति चाहते हो कि नहीं, इससे तुम छुटकारा चाहते हो कि नहीं। यदि इस जीवन से, वर्तमान जीवन से तुम छुटकारा नहीं चाहते हो तो वेदांत सुनने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम दुख से उबते हो, बेवकूफी में शर्म आती है, क्या तुम जगत के उस अधिष्ठान अनंत ब्रह्म को जानते हो? किस ब्रह्म को का जिसके सिवा दूसरी कोई चीज नहीं है, उस ब्रह्म को तुम जानते हो क्या? नहीं जानते हैं क्या? नहीं जानते हो तो तुमको इस बेवकूफी पर कोई शर्म नहीं आती है कि हम इतनी बड़ी वस्तु को
जिसके ज्ञान मात्र से ही सारे दुख और शोक मिट जाए हैं, और जो कि हमारी आत्मा ही है उसको हम नहीं जानते हैं, इस बात से शर्मिंदा होनी चाहिए, होना चाहिए। बेवकूफी पर, अपनी बेवकूफी पर, ना समझी पर भले मानुष को शर्म आती है, हैं? और जन्म और मरण का तुमको भय लगा हुआ है, हैं? तो क्या तुमको डरपोकों की गिनती में अपने आप को रखने में तुम्हारा किस लिस्ट में नाम रखा हुआ है कि जो डरपोक होते हैं? ये डरपोक शब्द की व्युत्पत्ति बड़ी भ्रष्ट है, हो है ना? ये डरपोक शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो बड़ी भ्रष्ट है, ये लोगों को मालूम नहीं है उसका। एक सेठ जी गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था है, तो एक सेठ जी गए फौज के ऑफिस में, और शब्द तो पुराना है पर उसको समझाने के लिए मैं ये बात बताता हूं। उन्होंने कहा कि हम भी भर्ती होंगे फौज में और पाकिस्तान की लड़ाई में शामिल होंगे। बोले कि तुमको डर नहीं लगेगा सामने से जब गोले छूटेंगे तो भागोगे तो नहीं? कब? बोले नहीं भागेंगे। तो महाराज, उसने कहा अच्छा तुम बैठो, कुर्सी पर बैठा दिया सेठ को और लेके पिस्तौल दाग दी, हो दाग दी तो गोली सेठ जी को छूती हुई निकल गई, लगी नहीं, निशाना उसका बड़ा पक्का था अफसर का, तो थोड़ा सा कोट उनका जल गया। तो सेठ जी थे तो बानिया ही, बोले कि देखो जी हमारा कोट जल गया है ना, तुमने हमारा कोट जला दिया, और ये मार का देखो हम डरते वरते नहीं है, कोट जल गया हमारा। तो अफसर ने कहा कि भाई इनको एक नया कोट ला के दे दो, सेठ जी का कोट जल गया है। तो उन्होंने कहा कि कोट ही नहीं, नीचे पहनने वाले कपड़े भी चाहिए, है ना? आप समझ गए ना, है ना? इसका मतलब क्या हुआ है? इसी को बोलते हैं डर से पोंकना, डरपोक होना, इसी का मतलब है डर पोंकना, है ना? तो डरपोक होना तो बड़ी शर्म की बात है, है ना? कि तुम शत्रु से डरो, नरक से डरो, दैत्य से डरो, देवता से डरो, ईश्वर से डरो, जीव से डरो, इतने डर तो तुम्हारे अंदर, इतने अंदर तुम्हारे सांप से डरो, बिच्छू से डरो, मरने का डर, रोग का डर, पराधीनता का डर, गुलामी का डर, इतना तो डर तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। और इस भय की भावना से, भ्रांति से, और ये डर सारा का सारा भूल के कारण है। ये डर शब्द संस्कृत का है, हो बोला, इसी अर्थ में संस्कृत में यह शब्द है, डर शब्द है संस्कृत में, डर, डर माने भय। ये आदर है ना, आदर शब्द, आदर, इसमें आ माने थोड़ा और डर माने भय, जिससे थोड़ा डरते हैं। गौरव, गौरव का भाव मन में कब आता है? कि जिसके बड़प्पन को स्वीकार करते हैं। ये डर शब्द संस्कृत भाषा में सर्वत्र ही आता है, उसी से हिंदी में डर हो गया है। तो आप भय से तो आक्रांत हो, और जड़ता से, बेवकूफी से आक्रांत हो, और दिन भर में चाहे दुनिया देखे चाहे न देखे, है ना, बंद कमरे में या आड़े में बैठ के या मुंह छिपा के या बिना आंसू के ही 10 बार दुखी हो लेते हो, और इसको दूर करने के लिए आप कोई प्रयास नहीं करते। तो जन ज्ञात्वा मुच्यते जंतु, जेल खाने में आदमी जाता है तो कोई मन से जाता है? नरक में आदमी जाता है तो क्या अपने संकल्प से जाता है? हैं? तो जब तुमको विवश हो करके तुम्हारे कर्मों के अनुसार दंड देने के लिए यहां से वहां घुमाया जा रहा है, तो तुम असल में जेल खाने में हो। तुम्हारे घर में खाने को नहीं है, दूसरे से उधार मांगने जाते हो। जब सुख लेने के लिए तुम स्त्री के पास जाते हो, जब सुख मांगने के लिए तुम पुरुष के पास जाते हो, जब सुख मांगने के लिए तुम पैसे के पास जाते हो, तुम स्वयं सुख स्वरूप होकर के अपने को कंगाल मान रहे हो, दुखी मान रहे हो, तो इस कंगाली से तुमको शर्म नहीं आती? इससे छूटने का क्या तुम्हारा कभी मन नहीं होता? तुम्हारा सुख तुम्हारे घर में नहीं है, दूसरे के घर में है, पराधीन है, बिना मजदूरी किए तुमको नहीं मिलता है, और बेवकूफी से आक्रांत हो, भय से आक्रांत हो, मृत्यु से आक्रांत हो, इससे मुक्ति पाने का एकमात्र मार्ग है जिस आत्मा का निरूपण किया गया है, इस ज्ञान स्वरूप आत्मा को, अखंड आत्मा को, ब्रह्म आत्मा को, जिसमें कहीं जाना ही आना नहीं है, पराधीनता नहीं है, कर्म तुम्हारे हाथ में हथकड़ी बेड़ी लगा करके यहां से वहां न घुमा सके, ऐसा ज्ञान तुमको प्राप्त हो जाए। मैं बिना प्रयास के ही तुम्हारे पास सुख रहे,
बिना पराधीनता के ही सुख रहे, सब समय सुख रहे, सब स्थान में सुख रहे, सब वस्तु से सुख मिले, सब परिस्थितियां सुखमयी हो जाएं, जम ज्ञातवा मुच्यते जंतो हो। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, सिर्फ जान लेना पड़ेगा। किसको जानना पड़ेगा? बोले अपने आप को जानना पड़ेगा, और दूसरे को नहीं, अपने आप को। माने जिसको जानना है वो कोई दूसरा नहीं है, अपना आपा है। इसलिए ये कहो कि उसने कुछ छिपा लिया होगा, तो अगर वो होता तो कुछ छिपा भी लेता। तुम अपने को अपने से कैसे छिपाओगे? अपने को ही तो जानना है, दूसरे को नहीं जानना है। तो यदि संसार के दुख से, शोक से, भय से, मृत्यु से, जड़ता से, पराधीनता से, आयास से, गुलामी से, दुख से यदि मुक्ति प्राप्त करनी है, तो इसी आत्मा का ज्ञान कि मैं अखंड ज्ञान स्वरूप हूँ, अद्वितीय ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान ब्रह्म हूँ, का ये बात तुम्हें जाननी पड़ेगी। इससे क्या होगा? अमृतत्वं च गच्छति। तुम्हें जो तुम्हारा स्वरूप से स्वभाव सिद्ध है, कहो तुम्हारे दूसरे के हक की चीज तुमको मिल जाएगी? बोले नहीं, दूसरे के हक की चीज तुमको नहीं मिलेगी। ये तुम्हारा हक, हक शब्द का तो अर्थ आपने सुना ही होगा, हक माने मैं होता है वो, ये अनल हक बोलते हैं ना, अनल हक। अनल हक माने ये तुम्हारा अमृतपना तुम्हारा मैं है, ज्ञानपना तुम्हारा मैं है, सुखपना तुम्हारा मैं है, स्वादपना तुम्हारा मैं है। ये जो इंद्रियां तुमको धोखे में डालती हैं कि हम स्वाद बाहर से लेके आते हैं, ये तुमको उल्लू बनाती हैं, बेवकूफ बनाती हैं। ये बाहर से सुख लेके नहीं आती हैं, ये तुमसे ही सुख लेती हैं। और तुमको सेठ का ही रुपया और सेठ को दिया और मुनीम ने कहा कि हमने आपको इतना फायदा करवा दिया, है ना, इतना फायदा करवा दिया, सेठ का रुपया और सेठ को दिया और सेठ को भ्रम में डाल दिया, उपकारी बन गया कि हमने तुमको इतना सुख दे दिया। हम ही सुख स्वरूप, ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धियां हमको ही देती हैं सुख, है ना। हम ही सुख और हमको ही देती हैं इंद्रियां सुख, और बोलती हैं कि हम बाहर से ला करके तुमको दे रहे हैं। तो ये बड़ी ठगनी है, माया महा ठगनी हम जानी, ये बड़ी भारी ठगनी है। इसलिए यदि अमृतत्व की उपलब्धि करना हो, अमृतत्व का साक्षात्कार करना हो, तो अपने आप को जानना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि आखिर अपने आप को जानना, अपने को ज्ञान का विषय बना लेना, ये कैसे बनेगा? तब न इसके लिए मंत्र आता है, न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चन ऐनाम हृदा मनीषा मनसाभिक्लृप्तो जो ये तद्विदुः अमृतास्ते भवन्ति। प्रश्न यह है, कथम दर्शनम उपपद्यते। क्यों जी, भला अपना दर्शन कैसे होगा? बोले अच्छा, पूछने वाले का अभिप्राय क्या है? पहले पूछने वाले का प्रश्न अगर समझ में ना आवे तो उसका जवाब क्या दें? प्रत्येक प्रश्न किसी न किसी नासमझी से उठता है। प्रश्न जो है ये पूरी समझदारी हो तो प्रश्न नहीं उठेगा हो, और पूरी नासमझी हो तब भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो सो थोड़ी समझ और थोड़ी नासमझ, दोनों की खिचड़ी में से प्रश्न की उत्पत्ति होती है, अगर प्रश्न ईमानदारी से है तो। अज्ञान में तो प्रश्न, नितांत अज्ञान में जिस चीज का नाम नहीं सुना, रूप नहीं सुना, बिल्कुल नहीं जानते, उसके बारे में क्या पूछेंगे? जिसको देखा नहीं सुना नहीं उसके बारे में क्या पूछेंगे? और जिसको देख लिया सुन लिया जान लिया, जिसका रोम रोम पहचान लिया, उसके बारे में क्या पूछेंगे? तो कहते हैं कि सामान्य रूप से ज्ञान और विशेष रूप से अज्ञान होने पर ही है। जैसे सामान्य रूप से ज्ञान हुआ कि ये मनुष्य है, तब पूछा कि ये कौन है, का जवाब देने वाला बोले कि ये मनुष्य है, तो इसमें क्या हुआ आप जानते हैं? जवाब देने वाला बेवकूफ है। यदि हम पूछें कि ये कौन है, और जवाब देने वाला कहे कि ये मनुष्य है, तो जवाब देने वाला बेवकूफ है। क्यों बेवकूफ है?
कि हम मनुष्य के रूप में तो उसको देख रहे हैं, सामान्य रूप से तो जान रहे हैं, तब न पूछते हैं कि यह कौन है। विशेष रूप से जानना चाहते हैं, माने उसका नाम जानना चाहते हैं, गांव जानना चाहते हैं, जाति जानना चाहते हैं, विद्या जानना चाहते हैं। ये ना अर्थ हुआ, ये अर्थ हुआ विशेष रूप से हम उसको जानना चाहते हैं। तो जब ये बात पूछी जाती है कि आत्मा का दर्शन कैसे होता है, तब प्रश्न होता है कि आखिर पूछने वाले का अभिप्राय क्या है। पहले पूछने वाले का अभिप्राय जानो। जो खंडन करने के लिए पूछता है वो पूछता नहीं है, वो तो खंडन करता है। आक्षेप करना दूसरी चीज है और प्रश्न करना दूसरी चीज है। तो जो आक्षेप करता है वो तो जिज्ञासु नहीं है, इसलिए उससे हम बात ही नहीं करते। उससे तो कहेंगे कि किसी पंडित के पास, काशी के पंडित के पास जाओ और तुम खंडन करो और वो मंडन करे। शास्त्रार्थ करने के लिए तुम्हारे लिए काशी का पंडित है ना। विद्वान के पास जाके आक्षेप परिहार करो। कि नहीं, हम तो जानने के लिए, अपने कल्याण के लिए जानना चाहते हैं। अब तौल लो अपने को। अच्छा, तब तुम्हारा अभिप्राय क्या है? किम विषयतया दर्शनम वक्तव्यम उत अभिषयतयै व दर्शनोपायः पृच्छते। प्रश्न ये है कि तुम क्या आत्मा को विषय बनाकर देखना चाहते हो और पूछते हो कि आत्मा का दर्शन आंख से होगा कि नाक से होगा कि जीभ से होगा कि त्वचा से होगा? हैं, विषय रूप से आत्मा का दर्शन, तुम अपना दर्शन विषय के रूप से चाहते हो? बोले, कोई भी इंद्रिय ऐसा नहीं है जो पूर्णता का दर्शन करा सके। आंख केवल रूप बतावेगी, गंध नहीं। कोई इंद्रिय, कोई अनुमान, कोई उपमान, कोई अर्थापत्ति, कोई अनुपलब्धि ये नहीं बता सकती। कोई ध्यान मन से जो होता है और कोई समाधि जो योग के द्वारा लगती है वो पूर्ण को नहीं दिखा सकती। परिच्छिन्न औजार से अपरिच्छिन्न का दर्शन कैसे होगा? तो पहला काम ये करना पड़ेगा कि जो परिच्छिन्न औजार हैं, जब ये बात मालूम हो गई कि इस औजार से ये काम नहीं होगा, तो क्या करेंगे? कि पहले उसको रख देंगे कि भाई ये तलवार से काटने की चीज नहीं है, ये छेनी से काटने की चीज नहीं है, ये बसीले से छीलने की चीज नहीं है। तो पहला काम क्या करेंगे? कि उनको अलग रख देंगे, है ना। तो आप पहले ये सोच लो कि किस किस औजार से अनंत अद्वितीय ब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता। जिस औजार से नहीं हो सकता, जिस बंदूक की गोली लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकती, उस बंदूक को रख दो। अगर दूसरी कोई बंदूक, कोई गोली ऐसी हो तो उठाओ, और दूसरी भी ना हो तो दूसरी भी मत उठाओ। इसी का नाम होता है वो अपवाद। बोला नेति नेति, चूंकि शब्द नहीं इसलिए कान से नहीं, तो कान और शब्द को अलग रखो। चूंकि रूप नहीं इसलिए आंख और रूप दोनों से नहीं दिखेगा, तो आंख और रूप को अलग कर दो अपने से, है ना। और मन से तो जिसका संस्कार रहता है वही चीज दिखाई पड़ती है, तो मन से भी अलग कर दो। और बुद्धि तो कभी सो जाती है कभी जागती है, तो ये पूर्ण वस्तु को कैसे देखेगी? सुषुप्ति में जो चीज रहती है उसको तुम बुद्धि से कभी जान सकते हो क्या? सुषुप्ति में जो चीज रहती है उसको बुद्धि से कभी नहीं जान सकते। तो अपवाद का अर्थ ये हुआ, अपवाद का अर्थ कि अपने आत्मा रूप अनंत ब्रह्म का दर्शन करने में जो परिच्छिन्न विषय को दिखाने वाले औजार हैं वे अनुपयोगी हैं, कई इसलिए उनका परित्याग करो। ये अंतःकरण के ध्यान में आने वाला अनंत नहीं है, अंतःकरण का विषय होने वाला नहीं है, इसको छोड़ दो, इससे अपने अहम को उठा लो, अलग कर लो। अरे, अंतःकरण से जब अलग करोगे तो देश काल वस्तु सबसे अलग कर लोगे हो। अंतःकरण की व्यक्त अव्यक्त दोनों अवस्था से अपने को अलग कर लोगे। तुम तो वो चैतन्य हो जिसमें देश काल वस्तु की दाल गलती ही नहीं, वो वस्तु हो। अब तुम अपनी अखंड दृष्टि से दूसरे की ओर जरा देखो तो अखंड में कहां, कब, क्या ऐसी वस्तु है जो अखंड में आकर के भीतर जम गई है?
ये नहीं कि आत्मा के भीतर विश्व है, ये बात गलत है। का आत्मा के बाहर विश्व है, का ये भी गलत है। का आत्मा के पहले विश्व है, ये भी गलत है। आत्मा के पीछे विश्व है, नहीं जब आत्मा नहीं रहेगी तब विश्व रहेगा, का ये भी गलत है। का आत्मा नहीं था तब विश्व था, का ये भी गलत है। और आत्मा के बाहर है, ये भी गलत है। का भीतर है, ये भी गलत है, क्योंकि बाहर भीतर पहले और बाद है ही नहीं। का आत्मा से अतिरिक्त विश्व है। अरे जब बाहर नहीं तो अतिरिक्त कहां रहेगा, जब पहले नहीं तो अतिरिक्त कहां रहेगा, जब पीछे नहीं तो अतिरिक्त कहां रहेगा, हैं? और जब आत्मा कोई आकाश के समान अवकाश धर्मी पदार्थ नहीं, घन ज्ञान है, जे चैतन्य घन है। ज्ञान की घनता को देखो, ठसा ठस ठोस, ऐसा जब ज्ञान है तब उसमें द्वैत के लिए स्थान कहां है, उसमें द्वैत के लिए स्थान कहां है। इसलिए पहला प्रश्न यह है कि तुम यदि आत्मा को देखना चाहते हो, तो यदि विषय के रूप में देखना चाहते हो, तो तुम अपने को अन्य के रूप में देखना चाहते हो, इसलिए गलती है। और अन्य को देखने के लिए जो औजार हैं, वो परिच्छिन्न को दिखाने के लिए औजार हैं, इसलिए वो भी बेकार हैं। अब औजार रहित जो तुम हो, उसमें तो देश काल वस्तु की भेद की कल्पना ही नहीं है। भेद की जब कल्पना ही नहीं है, तो तुम्हारा विस्तार, तुम्हारी अनंतता, तुम्हारा स्वरूप, ये प्रपंच तुम में कहां है, ये तो विचार करो। अब अपने को कैसे देखोगे नारायण, अपने को कैसे देखोगे? इसके लिए वेदांती बताते हैं कि इसको प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव, ऐतिह्य, संकेत आदि किसी भी प्रमाण से नहीं देख सकते। जहां भूल से नित्य प्राप्त वस्तु ही अप्राप्त मालूम पड़ती हो, एक बच्चे को बताया कि एक आकाश नाम की वस्तु होती है। बच्चे ने कहा, पिताजी हमने तो कहीं नहीं देखा, आकाश कैसा होता है? बोले, अरे आकाश तो यही है, कहीं यही तो है, परंतु हमने तो देखा नहीं, हम पहचानते नहीं कहां है यही है। तो उसको बताना पड़ेगा ना कि जिसमें हवा घूमती है, जिसमें रोशनी फैलती है, जिसमें अंधेरा फैलता है, रोशनी और अंधेरा के फैलने का जो आधार है, जिसमें वायु बहती है, हैं? जिसमें आवाज मुंह में से निकल के कान में पहुंचती है ना, मुंह के आकाश में से आवाज निकलती है और कान के आकाश में पहुंचती है और बीच में भी आकाश में ही रहती है, तो शब्द के आधार के रूप में हम आकाश को पहचान सकेंगे ना, बच्चे को पहचान करा देंगे। यही पहचान कराने का तरीका है, माने शब्द से हम आकाश का, जब मौजूद आकाश को बच्चा नहीं पहचानता है, तो उसको बाप समझा के पहचान करावेगा कि नहीं है? तो ये मौजूद जो अपना आत्मा है, ये कैसा है? कि ये दशम पुरुष के समान है, वो दशम पुरुष के समान है। दस आदमियों ने नदी पार की, वो उनको भ्रम हो गया कि एक आदमी डूब गया, गिने तो अपने से अतिरिक्त नौ को गिन ले और अपने को ना गिने। अब उनको कैसे ज्ञान होगा कि दसवां आदमी है? बोले, भाई ये तो जब महात्मा बतावेगा कि अरे तू दसवां है, तो शब्द से केवल परोक्ष ज्ञान ही नहीं होता, अपरोक्ष ज्ञान भी होता है। तो वेदांत यही बात बताता है कि जिसको तुम अपनी इंद्रियों से नहीं जान सकते, अंतःकरण से नहीं जान सकते, स्वयं अपने रूप, अपने से अन्य साक्षी भाष्य के रूप में, सुषुप्ति की शांति की तरह जिस चीज को तुम नहीं जान सकते, वो चीज तो तुम खुद ही हो, तुम खुद ही हो। ये बात वेदांत तत्वमस्यादि महावाक्य जो है वो बताते हैं। तो कैसी अनुभव हो इसका, उस अनुभव की प्रणाली अब अगले मंत्र में बताते हैं। अब कल हो, है ना।